दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक ऐसे वीडियो की बात करने वाला हूं जो चलाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, जो चलाया जा रहा है पूर्वोत्तर में, जो चलाया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, विदेशों में भी। और ये वीडियो की प्राप्ति मुझे विदेश से हुई है। कौर हैं, जिमी कौर, उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा। उन्होंने इसकी सत्यता जानने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ ये बताया गया कि मनमोहन सिंह की सरकार में सैनिकों के साथ ये व्यवहार होता था। और कश्मीर से भी ये वीडियो सेम मेरे पास आया, जिसमें कहा गया कि मोदी जी के राज में अब न्याय मिलता है, अगर कोई सैनिक गलती करता है तो उसको इस तरह से दंड दिया जाता है। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं, पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो की सच्चाई ये है कि जो ये पकड़े गए हैं, ये सारे आतंकवादी हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का वीडियो है, वहाँ के जो मिलिटेंट हैं वो इसी तरह की वर्दी पहनते हैं, और इनको आर्मी ने अरेस्ट किया बड़ी मात्रा में, और इनको इसी तरह के लाफे दिए जाते हैं। ये आर्मी के सैनिक नहीं है, इंडियन आर्मी के सैनिक नहीं है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ये इंडियन आर्मी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश हो सकती है, पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है, मोदी मीडिया के आईटी हब की तरफ से हो सकती है, किसी तरफ से भी हो सकती है। ये आईटी का भी चमत्कार हो सकता है कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडों पर उतर आए कि कांग्रेस के राज में ऐसा चलता था अब नहीं होता है, कांग्रेस के राज में ऐसा होता था अब नहीं होता है। लेकिन ये सच्चाई ये है कि नॉर्थ ईस्ट का ये वीडियो है जिसमें सैनिकों ने, हमारे देश की सेना के सैनिकों ने कुछ मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया और उनको सजा दी जा रही है, झापे दे करके दो स्टाइल में और मुस्कुरा करके। और उनको भी पता चल जाए कि उनके दिल में खौफ बैठ जाए कि उनके साथ और क्या क्या हो सकता है। तो जो भी वीडियो इस तरह के जाली वीडियो डालने वाले हैं, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि देश को मत तोड़िए, चाहे देश के आईटी हब के भाजपा के लोग हों, अगर कांग्रेस के लोग भी चला रहे हों तो वो भी ये हरकत ना करें। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के लोग इस तरह के वीडियो चलाएंगे, इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स तो केवल जिस पर जन्म सिद्ध अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मालवीय साहब, वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डर्टी पॉलिटिक्स वो करते रहे हैं आज तक। बहुत सारी चीज़ें डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने फैलाई हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन सेना के ऊपर इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स ना तो देशवासी बर्दाश्त करेंगे ना सेना बर्दाश्त करेगी। ये वीडियो बिल्कुल झूठा है, फेक है, और ये जहाँ भी फैलाया जा रहा है। ये दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, बताइए जम्मू एंड कश्मीर में, बताइए असम में, बताइए सबको, बताइए कि ये बिल्कुल वीडियो फेक है, इसको गलत इंटेंशन से फैलाया जा रहा है। हमारी सेना में हमारे सैनिकों को सम्मान के साथ रखा जाता है, इस तरह नहीं रखा जाता जिस तरह से व्हाट्सएप पर ये फैलाया जा रहा है कि बुरा व्यवहार होता है सैनिकों के साथ। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि राष्ट्र के प्रति अगर आपकी जिम्मेदारी और सेना के प्रति वफादारी है तो इसका विरोध करेंगे और कमेंट देंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर ये कहीं का वीडियो है तो ज़रूर मुझे बताइएगा गलत है या सही। अगर आपके पास ऐसे टूल्स हों, सॉफ्टवेयर हों, तो मुझे इसके बारे में सही जानकारी दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये वीडियो जो है बिल्कुल फेक है और वो गलत कॉन्टेस्ट में चलाया जा रहा है। वीडियो कुछ है और उसको दिखाया कुछ जा रहा है, क्योंकि वर्दी जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट हैं वो आर्मी की वर्दी पहन करके सारे काम करते हैं जिससे कि वो बच सकें। चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो पर आपको विश्वास हो गया हो और मेरे खुलासे पर यकीन हो गया हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हिंदुस्तान की सेना को बदनाम मत होने दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।